हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस बारे में यूपी के सभी जिलों के डीएम को आदेश भेज दिया गया है। अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई है। अजय कुमार की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। सोमवार को यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। गौरतलब है कि 17 मार्च को यूपी सरकार पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर ब्रेक लग गया है। सोमवार को सरकार का जवाब दाखिल करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी डीएम को आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। अजय कुमार की याचिका में आरक्षण की नियमावली को चुनौती दी गई थी। पीआईएल में फरवरी महीने में जारी किए गए शासनादेश को चुनौती दी गई है। सीटों का आरक्षण साल 2015 में हुए पिछले चुनाव के आधार पर किए जाने की मांग की गई है। पीआईएल में 1995 से आगे के चुनाव को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया है। आपको बता दें कि 17 मार्च तक फाइनल आरक्षण लिस्ट आने के बाद 25 से 26 मार्च तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर देने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव की तारीखें और लंबी खिंच सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यू न्यूज़।